नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। हमारे सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने और उनके प्रचार प्रसार में संग्रहालय अहम भूमिका निभाता है। हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की चीजों और सामग्रियों को संग्रहालय इकट्ठा करता है और उनको सुरक्षित रखता है। हर साल 18 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम की एडवाइजरी कमेटी हर साल इस कार्यक्रम के लिए एक थीम तय करती है। इसी अनुसार रायपुर में संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रायपुर मंडल के सहयोग से महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया। इस मौके पर देश के कई ख्याति प्राप्त पुरातत्वविद यहां व्याख्यान देने पहुंचे। साथ में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान है ASI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उनके जॉइंट एफर्ट था आज। और ये लगातार प्रतिवर्ष जो 18 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस, उसके उपलक्ष्य में आज आयोजन था। और आपने देखा होगा कि भारत के कई ख्याति प्राप्त पुरातत्वविद आज आए हैं, व्याख्यानमाला चल रहा है अभी। और इस बार का जो थीम है प्रतिवर्षीय जो इंटरनेशनल कम्युनिटी म्यूजियम्स, इसके तहत ये होता है। और इस बार का जो थीम है म्यूजियम्स कल्चरल हब द फ्यूचर ट्रेडिशन, तो उसमें म्यूजियम्स को, संग्रहालयों को कैसे जीवंत करना है, जनजीवन के साथ कैसे उनको और जोड़ना है, और जो अपनी दिनचर्या में, जो एजुकेशन सिस्टम में, कल्चरल मिल्यू में उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, उसके लिए एक विचार मंथन चल रहा है। और उसी लाइंस पे आगे हम अपने कार्यक्रम ही बनाएंगे। खबरची न्यूज के लिए कैमरामैन सुनील साहू के साथ ममता मानकर की रिपोर्ट। नारायण नारायण।